मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पर आम आदमी पार्टी के नेता आनंद जाट ने 3 फर्जी कंपनी बनाने का आरोप लगाया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कहा है कि कमल पटेल को सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई बताना चाहिए। भाजपा सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका प्रमाण हमने निकाला है। हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी, जिनके ऊपर प्रदेश की आधी जनसंख्या की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ बोकस कंपनियां बनाई है, शेल कंपनियां बनाई है, जिनका काम है कि काले पैसे को सफ़ेद करना। क्योंकि ये कंपनियां जिस काम के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है। हम इनके एड्रेस पर गए हैं और हमको पता चला कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। एक कंपनी का नाम है अमृता फर्टिलाइज़र कंपनी, ये कंपनी में लिखा हुआ है, इस कंपनी का के जो डायरेक्टर हैं भूपेंद्र सिंह जी चौधरी, मुकेश गरीड और संदीप पटेल, जो कि कृषि मंत्री जी के बड़े सुपुत्र हैं, इनके नाम पर रजिस्टर्ड है ये कंपनी और लिखा हुआ है कि ये फर्टिलाइज़र बनाती है। लेकिन हरदा के ही लोगों को, कृषि मंत्री जी हरदा के हैं, लेकिन यहाँ के ही लोगों को फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। सीधी सी बात है कि कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं बन रहा है, कोई रासायनिक खाद नहीं बन रही है, सिर्फ काले पैसे को सफ़ेद किया जा रहा है। इस कंपनी का जो बेस कैपिटल है करीब 50 लाख रुपए इन्होंने बताया है, और इन तीन कंपनियों का हमको पता चला है ये 150 करोड़ से ऊपर की कंपनियों का इन्होंने टर्नओवर जो है दर्शाया है। और ये अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको, एक क्योंकि अभी तक कृषि मंत्री जी ने कोई भी खुलासा इसके ऊपर नहीं किया है कि इनकी कौन कौन सी कंपनियाँ और इनका कितना टर्नओवर है, कितना इनका नेट प्रॉफिट होता है, कोई भी खुलासा कृषि मंत्री जी ने नहीं किया है। दूसरी एक कंपनी हमने निकाली है, वो है दिव्यांका टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी यशवंत पटेल जी और सुदीप पटेल जी के नाम पर है, टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके दोनों सुपुत्र कौन से IIT से पढ़े हैं जो टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी चला रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में पता चला है कि ये प्लास्टिक पाइप बनाती है और प्लास्टिक टैंक बनाती है, जबकि कृषि मंत्री जी का के हम आसपास सब दूर घूम के देख लिए और इनके इस कंपनियों के एड्रेस पर भी गए, यहाँ पर कोई प्लास्टिक टैंक नहीं बन रहा है, कोई PVC पाइप नहीं बन रहा है, केवल फर्जी कंपनियां बनाई है काले पैसे को सफेद करने के लिए। देखिए, आपने बताया ना, मंत्री जी ने 100 करोड़ का आरोप लगाया है, बिल्कुल सही बात है। आनंद, आप पार्टी के कार्यकर्ता, उसके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा लगाया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सरकार में कैबिनेट में बैठे हुए आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं राजनीति में, पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप में इतना घबराना नहीं चाहिए। एक साधारण कार्यकर्ता है बेचारा, वो आप पार्टी का नेता है, उसने आरोप लगाया तो उसके ऊपर क्या 100 करोड़ का मानहानि का दावा लगा देंगे? तो देखिए, इनकी अकल पर तरस आता है मुझे तो। और जिस तरह के काम कर रहे हैं, आपने अगर काम नहीं किया है या उसने जो आरोप लगाया सही नहीं है तो आप बयान दीजिए ना कि आप, आपकी कंपनियां नहीं है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ तो बोलिए। कुछ बोल नहीं रहे, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और ऊपर से सीधा सीधा 100 करोड़ का आरोप लगा रहा है। और एक साधारण आदमी जिसकी प्रॉपर्टी, मैं तो ये कहूँगा कि 10-5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी उसके परिवार में, और उसके ऊपर 100 करोड़ का दावा लगा रहे हो आप, तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि आपको इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि आदमी से क्या वसूली हो सकती है दावे की, उसके हिसाब से दावा लगाना चाहिए। पर वो जो दावा लगाया वो भी गलत है, और राजनीति में तो आपको आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना चाहिए, आप जवाब दे नहीं रहे और आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो ये है, उन पर मेरा भी आरोप है कि आपको जवाब देना चाहिए, उसने जो आरोप लगाया, जो कंपनियां बताई है, आप बताएं कि आप कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, या आपका फंड नहीं लगा हुआ, या आपने कोई गलत काम नहीं किया है, या आपने GST भरी है, आपने टैक्स भरे हैं, आपने सब फॉर्मेलिटियाँ पूरी की है, बताएं ना आप, जनता को स्पष्ट करें कि आपने, अगर आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी है या नहीं है, और है तो उसमें क्या क्या आपने किया, तो स्पष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 100 करोड़ का दावा लगाने की बजाय।